बानी, एक बात बता देता नहीं, अगर ते हमरा से बियाह ना कैले तो पूरा मीडिया समाज में गारंटी ले तनी तोर पूरा एने के ओने उखाड़ ना देनी। सोना पांडे देख लीजिए, एकदम गंद फैला के रखी है ये लड़की। अभी तक जौन बटे तूफानी लाल यादव से कितना बेर संभोग कैले बानी, संबंध बनैले बानी? काफी बार। कितना बार? लगभग 4-5 से 6 बार। ये पागलपन है जो सोना पांडे कर रही है, कोई अपने में ले रहा है कि मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया, वैसे किया, मैं बच्चे की माँ बनी। ये क्यों नहीं कहा जाए कि काम पाने के लिए आप हम बिस्तर होने को तैयार हो गए? हमारे यहाँ तो मार्केट में नाम दस या तो ब्याह कर, छोटे छोटे एल्बम में काम किया, उस काम के एवज में आप अपने आप को सौंप देना, ये बेवकूफी ही है। पेमेंट कर दीजिए, हमको अबॉर्शन कराना है। दूध पीती बच्ची नहीं थी, आप अवार्ड क्यों करवाई? बच्चे की माँ बनी तो भी ठीक है, तब भी आप पर केस हो जाएगा। लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता। 4 शादी हो जाएगी, क्या सोना पांडे की शादी हो सकती है? इनको चोली दिखना चाहिए, इनको छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहिए, असली हरकत वाली वीडियो होनी चाहिए। फलना स्टार तो मैं बड़ा स्टार, तो तू बड़ा स्टार। कोई बॉडी बना रहा है, तो कोई दारू पी रहा है, तो कोई कह रहा है मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। देखिए, प्यार में जब उदाहरण दिया जाता है, या यो कहे कि प्यार का जब उदाहरण दिया जाता है, तो लोग हीर रांझा का नाम लेते हैं, लैला मजनू का नाम लेते हैं। लेकिन आज का प्यार कैसा हो गया है, और भोजपुरी में आज का प्यार कैसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि मैं उसके साथ सोई, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरा यूज करके छोड़ दिया, और डिजिटल चैनल वाले खूब मजा लेकर इंटरव्यू दिखलाते हैं, व्यूज मिलियंस में जाता है, लेकिन उसमें बातें ऐसी ऐसी होती हैं, शायद उसे एक कैटेगरी से भी ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को अपने कानों से बहुत देर तक सुन नहीं सकते हैं। लेकिन ये आज की कड़वी सच्चाई है। नया मामला देखिए, तूफानी लाल यादव और कोई सोना पांडे हैं, उनके बीच का मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे ये वायरल है। और भाई साहब, वो महिला, वो लड़की जिन जिन वर्ड्स का यूज कर रही है, वो हैरत अंगेज है। आप अपने कानों से नहीं सुन पाइएगा, इसलिए मैंने कहा एक कैटेगरी से भी ऊपर। अब इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे बबीता मिश्रा जी से, और इसलिए इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये लगातार भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाते रही हैं, और उसके बाद निशाने पे भी आई हैं, जिसके बारे में बोलती हैं उनके समर्थक इनको निशाने पे लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार ये कहती हैं कि भोजपुरी की जो अस्मिता है ये यहाँ के कलाकार ही खराब कर रहे हैं। बबीता मिश्रा जी, पहले तो स्वागत है आपका, और सबसे पहला सवाल यही है, आपने देखा है क्या वो वीडियो, सोना पांडे, तूफानी लाल यादव, और आप महिला हैं लेकिन फिर भी मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है, क्या उन वर्ड्स को आप सुन पाई हैं जिन वर्ड्स का यूज सोना पांडे कर रही हैं? देखिए, अगर प्यार की बात करूँ, अब प्यार की परिभाषा ही चेंज हो गई है। पहले एक गज़ल और ये हुआ करता था, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। फिर थोड़ा और पीछे चले जाइए तो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ऐसी कुछ बातें, और वो बहुत ही अच्छी लगती थी। वो जो लड़की है सोना पांडे, बुलवा कौन रहा है? वो हमारे यूट्यूबर भाई। अभी तक जौन बटे तूफानी लाल यादव से कितना बार संभोग कैले बानी, संबंध बनैले बानी? काफी बार। कितना बार? लगभग 4-5 से 6 बार। मैं आपसे कुछ भी बोलवाना चाहूंगा बतौर पत्रकार, तो आप बोल दीजिएगा क्या, मतलब मैं सीधे नहीं। बबीता जी, अगर मैं आपसे, ठीक है वो तो यूट्यूबर दोषी है ही है, मैं कह रहा हूँ कि आप एक महिला से बात करें, वो महिला भी उतनी ही दोषी है जो इन वर्ड्स का यूज कर रही है, और आप महिला से सवाल भी वैसा पूछ रहे हैं जिससे वो इंस्टिगेट हो, प्रभाव ये हो, उत्तेजित हो। हाँ, लेकिन क्या मैं अगर आपको आक्रोशित करूं तो आप उस भाषा का प्रयोग कीजिएगा? नहीं, मैं नहीं कर सकती, चूंकि इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि समाज देखता है, समाज उन चीजों को रिएक्ट करता है। तो आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपकी शादी नहीं हुई है, आपने किसी से संबंध भी बनाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज की नजरों में वो अवैध हैं, हाँ वो नाजायज हैं, और आप खुलेआम अगर इन शब्द
शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन करती है, तो कल ये तूफानी लाल यादव आपके साथ क्या किया, आपने उसके साथ क्या किया, तो एक बात करने का एक लहजा होना चाहिए कि आपके जीवन को किसी ने अगर बर्बाद किया तो आपके पास अगर सबूत है तो उस सबूत को आप थाने ले जाइए, थाने अगर आपका नहीं सुनता है। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, मैं एक मिनट रोकूंगा, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन आपने कहा कि किसी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, मैं ये नहीं क्यों ना कहूं कि आज की जो भोजपुरी में एक्ट, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इस तरह की महिलाएं आती हैं जो अपने संबंध को सोशल मीडिया पे उजागर करती हैं, ये क्यों नहीं कहा जाए कि काम पाने के लिए आप हम बिस्तर होने को तैयार हो गई? अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल वो गलत है। अगर भोजपुरी में, खास करके अगर मैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आजकल भोजपुरी ये सोना पांडे या दीस पांडे ये जो ये लोग तमाशा बना रखी है, भोजपुरी का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। एक तो इनके वीडियोस देख लीजिए आप, अश्लीलता इनके लिबास में भी होती है, अश्लीलता इनके जुबान में भी होती है। अगर आपके आप गई क्यों, किसी ने आपको रोका था, किसी ने कहा था, किसी ने आपसे कहा कि भाई ये लीजिए कंप्रोमाइज कीजिए तो हम आपको ये एल्बम में डांस देंगे, आप अरबपति बन जाती, करोड़पति बन जाती या रातों रात आप स्टार बन जाती? आप कुछ नहीं बनने जा रही हैं। आपने छोटे छोटे एल्बम में काम किया, उस काम के एवज में आप अपने आप को सौंप देना ये बेवकूफ़ी ही है, ये पागलपन है जो सोना पांडे कर रही है। सोना पांडे को होना चाहिए था, अगर उसके साथ ठीक है भाई आपका प्यार है, तो एक समय था जो प्यार को छुपा के लोग किया करते थे और उसको सार्वजनिक नहीं किया करते थे, क्योंकि आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड हैं, आप आज खुल के बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वो किया, दिस किया, डैट किया, मैं इस चीज को बोल भी नहीं पा रही हूँ और मेरे जुबान भी लड़खड़ाते हैं, हमारे दर्शक भी नहीं है वो जो उन चीजों को सुन पाए, पसंद नहीं करती हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसे शब्द सोशल मीडिया पे हाइलाइटेड होते हैं, बच्चे देखते हैं कि क्या किया, जो यूट्यूबर भाई हैं भूले भटके उनसे पूछते हैं और उनको मजा आता है, व्यूज की भूख, एक व्यूज की भूख भी होती है। और वो जो मोहतरमा है, जो महिला है, वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा किया वो हमारा शादी करेगा। अरे आप सोशल मीडिया पे आके शादी करवा लेंगी? आप सोशल मीडिया पे आके किसी के ही दामन पे आप कीचड़ ही लगा रही हैं? वो तो मर्द है, उसकी चार शादी हो जाएगी, क्या सोना पांडे की शादी हो सकती है? अरे बेवकूफ लड़की, अगर लड़ाई ही लड़नी है तो कानूनी तौर पे, तो कानूनी तौर पे लड़ो। अगर आपके पास कोई सबूत है जिससे कि आप उसको पनिश्ड करवा सकती हैं, आप वहां आके लड़ो, आप अपनी बातों को सही तरीके से करो। आप वो गंदे गंदे लैंग्वेज यूज करना कि मैंने बेबी को अवॉर्ड करवा दिया, मैं मतलब मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये क्या लहजा है? कल को आप कुंवारी है, आज आप एक एल्बम के लिए या ये इतनी घटिया हरकत एक पिक्चर के लिए कि हाँ भाई इस तरीके से मैं करूँगी, मैं वायरल हो जाऊँगी, अब लोग हमें जानने लगेंगे, हम लेकिन हमें लोग पहचान। बबीता जी, ये बबीता जी, लोग ये क्यों भूल जाते हैं? गंदी पहचान। हाँ देखिए, समझ में आना चाहिए कि दो तरह की पहचान होती है, एक गंदी पहचान, एक अच्छी पहचान। तो आपको तय करना है कि आपको अच्छी पहचान बनानी है कि घटिया पहचान। दो ही लोगों को समाज जानता है, ये एक तो चोर को जानता है और एक शरीफ को जानता है। तो आप अपना नाम कहाँ दर्ज करा रही हैं? आप सीधे बोलती कि मेरे साथ ऐसे किया। अरे नहीं, एक तो आप पांडे हैं, जिसे लोग पूजनीय मानते हैं, आप अपने तो अपना इज्जत तो खो ही रही हैं समाज में आकर के, लोग देख ही रहे हैं दूसरे तरीके से। आप देखिए कि अब किस लेवल में जा रही है। बबीता जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, अफेयर होना, ब्रेकअप होना फिल्मी दुनिया में कोई नया नहीं है। हम लोग भी सुना करते थे अमिताभ बच्चन के बारे में कहानी, धर्मेंद्र के बारे में कहानी, कई जो भी टॉप के एक्टर रहे हैं, लेकिन कोई सामने आज तक नहीं आया कहने के लिए, और सबने मर्यादा रखी। और खैर, वो डिजिटल युग था भी नहीं, आज डिजिटल युग है। अगर आपका नाम कल के डेट में बड़ा भी हो जाता है,
तब भी ये डिजिटल युग में ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ कभी सोना पांडे ने ये कहा था तो कभी फलना सिंह ने ये कहा था, कभी फलना यादव ने सिंह के बारे में ये कहा था, कभी जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, मैं समझ रहा, मैं खुलकर नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा यहाँ पे, तो भाई लोग भगवान की तरफ पूछते हैं अपने स्टार को, तो हाँ, लेकिन ये डिजिटल युग में तो रह जाएगा, वो तो हटेगा नहीं, ये फेसबुक यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से एक्स से हटेगा नहीं, तो आप कितना भी नाम कमा लीजिएगा आपके सामने ये बदनामी का धब्बा तो रह ही जाएगा ना। तो यही कह रही हूँ ना, देखिए चाहे वो सोना पांडे हो, तूफानी लाल यादव हो, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज में क्या होना है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कि हमारा एल्बम कैसे हिट हो, कौन सा चोली कौन सा घघरा, मतलब भोजपुरी में सिर्फ चोली और घघरा रह गया भाई, मतलब आप सिर्फ भौजी के ऊपर गाना गा दो, जीजा के साली पे गाना गा दो, यही रह गया है, और अच्छी सॉन्ग नहीं है भोजपुरी में, लेकिन नहीं, इनको चोली दिखना चाहिए, इनको छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहिए, असली हरकत वाली वीडियो होनी चाहिए। सोना पांडे देख लीजिए, एकदम गंद फैला के रखी है ये लड़की, सोशल मीडिया पे इस तरीके से गाली गलौज करना भी इसको शोभनीय तो नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कि आप सोशल मीडिया को गंदा कर रही हैं, और इस पे एक कानून बनना चाहिए कि जिस तरीके से लोग आकर के सोशल मीडिया पे किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, किसी की बहन को गाली दे रहे हैं, कोई अपने में ले रहा है कि मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया, वैसे किया, मैं बच्चे की माँ बनी, ये बच्चे की माँ बनी तो भी ठीक है, तब भी आप पर केस हो जाएगा, आप बच्ची थोड़ी ना थी, आप प्रेग्नेंट हुई तो आप बच्ची नहीं थी, दूध पीती बच्ची नहीं थी, आप अवार्ड क्यों करवाई, उस पर भी एक धारा लगनी चाहिए। और रही बात तूफानी लाल यादव की, अगर तूफानी लाल यादव इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपके पास में एविडेंस होना चाहिए, हम अगर लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता, आप सोशल मीडिया पे आके बहुत हाईलाइटेड हो जाइए, आप गंदी गंदी बातों को करिए, लेकिन उससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उससे लोग आपके चरित्र, अच्छा सीखते भी तो ये लोग अपने, देखिए कहा जाता है ना, अब जैसे हमारे पत्रकारिता की बात कर लीजिए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 18-19 साल का मेरा करियर है तो मैं पुन परसुन वाजपेयी को से सीखता हूँगा, या अजीत अंजुम जी से सीखता हूँगा, या सुधीर चौधरी से कुछ से सीखता हूँगा, लेकिन भोजपुरी के जो आदर्श हैं और आजकल के जो स्टार हैं, तो जब उनमें ही, मतलब जो भाई कहा नहीं जाता है, जब बाप ही बदनाम तो बेटे का क्या, फलना स्टार तो मैं बड़ा स्टार, तो तू बड़ा स्टार, तो इसके फॉलोअर्स लड़ रहे हैं, तो कोई बॉडी बना रहा है, तो कोई दारू पी रहा है, तो कोई कह रहा है मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, तो जब बड़े स्टार से इस तरह से लड़ेंगे तो इन लोगों का क्या। देखिए ये लोग तो छोटी मछली है, मैं बात करूं, कभी आपने कन्नड़ की कोई छोटी एक्ट्रेस के बारे में इन सब बातों को, बिहार ही क्यों बदनाम होता है भाई, बिहार से ही लोग वायरल क्यों होते हैं, बिहार से ही गंदी गंदी गालियों का जन्म क्यों होता है, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि सरकार को ऐसे लैंग्वेज जो लोग यूज़ करते हैं, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, और जो लोग इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं, चूँकि देखिए यहाँ शिक्षित भी है अशिक्षित भी है, यहाँ लोअर क्लास के लोग भी हैं, यहाँ मिडिल क्लास के लोग भी हैं, यहाँ अपर क्लास के भी लोग हैं, तो वो तो इनको देखना पसंद नहीं करते बिल्कुल, ये उनके बराबरी तक नहीं आते, यहाँ तक नहीं आते, लेकिन ये लोग बेधड़ल्ले से जिस तरीके से अपशब्दों की मर्यादा क्रॉस करते हैं, एक कानून इस तरीके से बनना चाहिए, AI टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, और ऐसी जो लड़की है अगर मुक्तम मतलब बोलने पर आप किसी को सजा दिला पाए तो बेशक, तब तो सब कोर्ट जाना बंद कर देगा, थाना जाना बंद कर देगा, वहां पे अपनी आवेदन देने की जरूरत क्या है, एक पत्रकार ने माइक पकड़ा, मेरे साथ इसने ऐसा किया, अच्छा ऐसा किया, हाँ ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होता। आप पत्रकार देखिए नहीं, पत्रकार को आप दर्द बता सकते हैं अगर आपके सामने हुआ है, हम मीडिया में आके बोल सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और इस तरह के वर्ड से आप यूज करके आप महिला जो सशक्तिकरण है या महिला सम्मान है उसे आप बदनाम कर रही हैं। 50% की जो महिला आबादी है उसका नाम बदनाम किया है, 50% की महिलाएं ऐसी गंदी सोच वाली नहीं होती,
उनकी लैंग्वेज इतने गंदे नहीं होते हैं। सोना पांडे जैसे लैंग्वेज जो पत्रकार, हम उनको नहीं कहते, पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। आपके साथ आप बीती क्या बीती, लेकिन यहाँ तो आप बीती नहीं बीती, यहाँ तो झगड़ा झंझट चलता है। जो यूट्यूबर हमारे भाई हैं उनसे क्या कहते हैं, मजे ले लेके उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, नहीं ठीक है, कैसे हुआ था। हाँ। तो ये चीज, इस पे रोक लगनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था आपके साथ क्या हुआ, अगर है तो प्रमाण साबित कीजिए। जैसे हम लोग भी बहुत दफा किसी की बातों को रखते हैं तो हम वो देखते हैं कि क्या इसके एवज में इनकी सच्चाई क्या है, ये क्या खाली मौखिक बयान दे रही है कि लिखित, ताकि कल को अगर हमारे पर कोई क्लेम आ जाए तो हम उसको दिखा पाए कि नहीं भाई, हमने मौखिक के साथ लिखित भी इनसे लिया है और लिखित के साथ साथ इनके पास में वो प्रूफ है, उस प्रूफ के आधार पर हमने भी इनकी बातों को रखा है। लेकिन इस तरीके से, कुत्ता बिल्ली के तरीके से, जिसे आपने देखा होगा कि कुत्ते को देखते हैं जिस तरीके से असली लड़कर करते हुए, आप तो मानव हैं, मानव इतना गंदा हो सकता है? एक लड़की इतना एकदम धरले से किसी अपने अंग को नहीं समझती है, बिछ देती है ऐसी लड़कियों को, या तो सोशल मीडिया से ही इसको लोग आके इसको दो चार थप्पड़ मार दे, महिला समाज आए इसका 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 चेहरा काला कर दे, या फिर इसके पास अगर वो प्रमाण है तो लीगली वो काम करे, ना कि इस तरीके से आ करके समाज को गंदा करे, चाहे वो सोना पांडे हो चाहे वो तूफानी लाल यादव हो। तूफानी लाल यादव भी वहां से काउंटर करते, क्या मतलब है, मर्द हो काउंटर क्यों करते हो? अरे मर्द हो तो तुमने अगर कुछ किया है तो आ करके आप उसे मानहानि का केस कर दो ना, कि भाई ये लड़की हमें बदनाम कर रही है, उस पे आप काउंटर कर रहे हैं भाई, क्या है मतलब, इतना अश्लील आप, इतनी आप लोग इतना नीचे गिर गए हैं। आप तो आप जो अभी के बच्चे हैं, जो जनरेशन है वो भी आपके गाली को सुन रहा है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सबक सीखना चाहिए, ऐसे लोग समाज से दरकिनार रहे वही बेहतर है। भोजपुरी का कल्याण तभी हो सकता है जब आप स्वच्छ गाना लाएंगे और जो सुने चाहे ना सुने, लेकिन हम यही गाना गाएंगे। ये काम अगर वो सिंगर करे तो ज्यादा बेटर होगा। आज कल्पना को लोग सुनते हैं, कल्पना जी के सॉन्ग को सुनते हैं। ये अब भोजपुरी में, नहीं अब भोजपुरी में जितने भी बड़े एक्टर और सिंगर है, नहीं बबीता जी, भोजपुरी में जितने भी बड़े एक्टर या सिंगर आज की डेट में, मैं कह रहा हूँ, देखिए खेसारी ने भी कई अश्लील गाने गाए हैं, लेकिन जब वो अच्छा गाना गाते हैं तो लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुनते हैं। पवन सिंह ने भी कई अश्लील गाने गाए हैं, लेकिन जब अच्छा गाना गाते हैं तो लोग सुनते हैं, जैसे पियर फराक वाली, मैं भी सुनता हूँ, या आप निरहुआ और आम्रपाली, पता नहीं वो गाना किसने गाया था, लेकिन मरून कलर सरिया वाकई लाजवाब गाना है, कल्पना जी की आवाज थी। तो देखिए बहुत ऐसे राधे श्याम रस थी, आप बात कर लेते हैं कि जितने भी आप भोजपुरी की बात, ऐसा नहीं है कि गाने भोजपुरी वाले, भोजपुरी में लोग अश्लीली सुनना पसंद करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं, आप ये देखिए ना भाई, क्या मोहम्मद रफी ने भोजपुरी सॉन्ग नहीं गाया? स्वर सुनिएगा, कान को लगेगा कि सुकून महसूस हो रहा है। तो लता मंगेशकर जी ने नहीं गाया, हम बॉलीवुड के सिंगर लोग आकर के भोजपुरी गा के चले गए और उन्होंने एक परचम लहराई, और हमारे भोजपुरी के जो माटी है वही माटी को माटी बनाने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोग, ये लड़कियां लोग आती है और पूरा भोजपुरी समाज को गंदा कर देती है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे और बात हम कर रहे थे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे आपको विचार करने की जरूरत है कि आखिर भोजपुरी जो हमारी भाषा है जिसे हम इतना पसंद करते हैं, उसे ये लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं और किस स्तर पे जाके बदनाम कर रहे हैं, और इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आप भी आवाज़ उठाइए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।